ये सही है बस। फेस नहीं आएगा। सबसे पहले आपने बीच की मांग निकाली, उसके बाद एयर टू एयर अलग कर लेना, वहाँ से क्लिप्स खोलेंगे। ब्लू ब्लू ही टूटे हुए वो सामान एक्चुअली उन्होंने रखा होगा शायद किसी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी लगा रहे अलग कर लिया। ठीक है, कोई भी स्टाइलिंग करते हैं तो फ्रंट तो बनाना होता है ना, तो आज हमें क्योंकि डेकोरेशन करनी है इसलिए मैंने आपको बता दिया प्रॉपर कि बीच की मांग लेके हमने ये साइड से अलग कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने फिनिशिंग के लिए अलग कर दिया, एक लेयर मैंने फिनिशिंग के लिए अलग कर दिया। ठीक है, ताकि मुझे फिर जब फिनिशिंग करने के लिए मुझे चाहिए होगी एक लेयर, उसके ऊपर आराम से लगाऊंगी तो वो नीट लुक कवर भी होगा ना, कवर हो जाएगा जी। अब हमने क्या करना है, हाथ आ रहे हैं बस जी, पतली पतली लेयर उठानी है। हमने लेयर ले ली, ये देखिए अब हमने इसको बैक कॉमिंग किस तरह से करनी है ये देखिएगा। बालों को ऊपर से पकड़ा हुआ है लेकिन हल्का लूज करके लूज, और ये देखें इनको हम लूज लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दबते जाएंगे। हम इनको दबाएंगे और दबाना है लाजमी नीचे, ताकि नीचे से फिर नहीं तो वो लूज हो जाते, फुस हो जाएगी। सही है, हम इसको बैठ जाएंगे वो बाल बैठ जाएंगे, हम थोड़ा टाइट रखेंगे तो ही वो अच्छी परफॉर्मिंग टाइट वाली बनेगी। इससे बाल ख़राब नहीं होंगे? नहीं, इसको वापस खोलने का भी तरीका है, इसी तरह से हम इसको कम करेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ठीक है, अब मुझे स्प्रे दें सर, वीडियो में कौन सा लगा था इसको भी बता दें। हट जाएगा इसको, फिर सा स्प्रे कर लें थोड़ा सा बिल्कुल, इसको हमने छोड़ दिया स्प्रे करके। सही है जी, इस स्प्रे का मकसद ये कि अब वो ख़राब नहीं होंगे, खराब जैसे नहीं, कड़क रहेंगे, कड़क हो जाएंगे उनको, मतलब एक होल्ड मिल जाएगा जी, या जो शेप हमने दिए तो वो उसी में रहेंगे। स्प्रे का मकसद है कि इससे बाल ज़रा थोड़े हार्ड हो जाते हैं, खुश नहीं होते। अच्छा, मकसद ये बस, अक्सर वीडियो में हम देखते हैं तो वो एक साथ ही सब उठा के कर लेते हैं, शायद इस वजह से कि उनका हाथ तेज चलता होगा। वो देखो दो पार्ट्स में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्योंकि सिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए आपको आराम आराम से थोड़ा करके बता रही हूँ कि इतनी इतनी हमने इस तरह से थोड़े थोड़े बाल उठाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो हर किसी का अपना तरीका होता है जी। कुछ मतलब एक साथ उठा के वो मोटी मोटी सी बस बनाते हैं, कर दिए बस जी जी, क्योंकि वो इतना वो टाइट वाला नहीं बना रहे होते, वो जस्ट वो आप हल्का सा वो करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही इसकी क्योंकि उसके बाल ज़ाहिर है वो ना हो जाए ज़्यादा, उसको खोलने में भी प्रॉब्लम होगी, स्प्रे भी हमने क्योंकि कर दी है तो इस वजह से उससे मसला होगा। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने की, मैंने उसकी कम की है। ठीक है, मतलब वो चाहें तो और भी ज़्यादा यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दरमियान में हल्की फुल्की की है। सही है जी जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाल कम है, देखें अब मैंने यूँ किया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ये साइड ठीक है और यहाँ से थोड़े से कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम थोड़े से बाल हल्के से सही से पकड़ के
फेज आते हैं। मिरर होता तो आराम से सामने पिन्ने वगैरह दें मुझे खोलने पिन्ने भी। उसको वैक्यूमिंग किया है तो इस वजह से वो बाल तो उठे उठे से लगेंगे। अब मैंने क्या किया कि इन बालों को लिया, ये देखिए इस तरह से पकड़ा जी, थोड़ा सा सर नीचे कैसे कर, आप भी इस साइड आके देखें, ये बालों को मैंने पकड़ के इस तरह से कर लिया जी जी। अब हमने हल्का सा करने, अब ज़्यादा हमें नहीं करनी क्योंकि वो फिर से वही हाल हो जाएगा ना। अब हमें सिर्फ बिठाने के लिए सिर्फ इसकी जड़ में हल्की सी वैक्यूमिंग करनी है, हल्की सी। सिलाई वाली कॉलर का ही काम सीख रही हूँ। थोड़ा सा दूर हो जाओ, केक फॉर्म वगैरह नहीं लग जाए। ज़्यादा टाइट नहीं लग रही मुझे ये पिने। अच्छा सामने से आप देखो, मुझे तो नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल बराबर आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही है? क्योंकि मुझे नहीं, वो आदत है ना यूँ मिरर में यूँ बनाने की, फिर हम सामने से देखते हैं कि कहीं से नीचे है ऊपर है तो हम उसको उठाते हैं, सही है? चल ये वैक्यूमिंग होगी, चलो आज इसका फ्रंट पे मन बना। आप लोग मुझे गलत बता रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से बैठा हुआ है, वही बात के सामने नीचे करो मिस, ये जितना ये पूरा हाँ यहाँ होना चाहिए, चलो बहुत बड़ा ना हो लेकिन इतना हो कि हम उसमें फेस वगैरह देख सकें। छोटी दूसरे वाले पत्ते उसमें से निकालो जाते हैं, ये ना मुझे वो लग रही है बहुत लूज पिने लग रही है। बस ये वाली नहीं, नहीं पिने बहुत लूज होंगे, कभी कभी बहुत अच्छी पिने आती हैं और कभी कभी अच्छी नहीं डाल। हाथ थक गया, हाथ थक गया यार, मोबाइल भी पक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें यहाँ पर, कम जैसे दो पिनों से ये होल्ड हो जाएगी, या आप ये कर लेंगे जैसे वैक्यूमिंग मैंने की थी, पहले मैंने उसको होल्ड करने के लिए नीचे लगा दी, बाद में फिनिशिंग के बाद ये उनको कर दिया, चलो ज़्यादा से ज़्यादा चार पिने और वो भी दो जो हैं वो नीचे चली जाएंगे, दिखेंगे नहीं ऊपर से, ऊपर से सिर्फ दो ही नज़र आए। नहीं मतलब ये जो फ्रंट की है ना, थोड़ा पीछे करें, तो वो ज़्यादा पिने होती हैं तो वो गंद लगता है, अच्छी नहीं लगती। अब देखो सामने से, सामने से देखो आप, अब ठीक है, आप सही है, बिल्कुल ऊंचा नीचा तो नहीं लग रहा ना, थोड़ा ठीक है, पहले से तो बेहतर लग रहा है क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा ही दबा दबा सा और कुछ को लग रहा था, अब ठीक है, लग रहा है अच्छा है, ज़बरदस्त है। नायला जाना कहीं पर भी जाना, ये जो है बीच की लाइन हटा
हटा सकते हैं, वो तो हट जाएगी ऑटोमेटिकली हटेगी, लेकिन इसका मेन जो होता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले हमें बीच की मांग निकालनी है। फिर आप बाद में क्लाइंट से पूछते हैं या किसी से भी जिसका आप कर रहे हो उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ के बाल बनवाने हैं, इधर के बनाते हो उधर के बनाते हो या बीच की मांग से चाहिए आप, वो मर्जी है ना फिर बनवाने वाली जी, जिससे जहाँ शुरू करें। ये आर्च जो है हमने ये किसके हिसाब से ये बालों को लेना है, ठीक है जी, क्लिप दें मुझे। अब आप मुझे ये बताएं कि फ्रॉ है वॉश भी हैं चिल्की हैं तो सही लग रहा है, उनको बोलो अपनी क्लास में बैठो यहाँ नहीं आए, आप लोग अपनी क्लास में बैठ जाएं प्लीज़, आप लोग क्लास में बैठ जाएं, मिस कह रही है। अच्छा मिस मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जब भी बनाती हूँ ना यहाँ के तो मैं यहाँ से बाल उठाती हूँ, यहाँ से उठाती, पीछे से जैसे मैंने उठाया जी, वो ज़रूरी नहीं है, मैं वो भी बताती हूँ आपको, लेकिन जब हम वन साइड बना रहे हैं ना, जैसे मैं ये एक ही साइड से बना रही हूँ, ये देख रही हैं ना एक साइड से, डबल तो नहीं ले रही, उधर से उधर से नहीं ले रही, नहीं, सर मेरी तरफ ही रखें, सर मेरी तरफ ही रखें, क्योंकि चेयर ऊँची है ना तो बाजू ऐसे फिर वो सकता है। मैंने कहा खाली बैक कॉमिंग पे ही तो आपको क्या बताऊँ, अब कुछ तो फ्रंट बना दो थोड़ा लुक आ जाए, फिर आप लोग मर्ज़ी आपकी, फिर डेली बैक कॉमिंग के साथ आप स्टाइलिंग करके मुझे दिखाती रहेंगी। वैसे तो हम अपने वाले को खुद भी ट्राई कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं अगर हाथ चला, लेकिन ज़रा खुद मुश्किल होता है जी, क्योंकि वो पीछे से करना होता है ना। मेरे वाले में ना तेल लगा, उन्हें भी नहीं उसे नहीं, मैंने तेल नहीं लगाया, मैं नहा के आई, मुझे तेल पसंद भी नहीं, उनके भी सिल्की हैं। जैसे इनके बालों में कलर है ना तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा इसीलिए मैंने, और जो कलर नहीं हुए होते ना मिस उनका खास तर डिज़ाइन मतलब नहीं पता चलता उनका, हाँ उनके स्टाइलिंग का जाना फील नहीं होता, नहीं हाँ तुम्हारा भी था, मैंने देखा स्टाइलिंग कलर थी ना, मैंने भी शादी पे करवाया था अभी तो पड़ेगा, मुझे बहुत शौक है कलर करवाने का, मैंने शादी पे फर्स्ट टाइम किया जब भी गई थी, थोड़ा सा लूज कर देंगे क्योंकि खिंचा खिंचा सा लग रहा है, सही है, हम इसको थोड़ा सा किसके, हाँ मैं अपने स्टाइल से करूँ,
अच्छा शीशा नीचे करो लाइला चाहें तो किसी ब्रेड को आप कंटिन्यू इस साइड से मतलब ये भी उसी तरीके से बना सकते हैं और अगर चाहें तो इसको ट्विस्टर वगैरह बना के इस साइड पे लें मतलब मर्जी है लाजमी नहीं है कि सेम टू सेम ही दोनों साइड्स हों ठीक है तो आप इसके ट्विस्ट भी कर सकते हैं ज़्यादातर मिस लोगों को यही पसंद होता है ज़्यादातर यही किया होता है ट्विस्टर हाँ अब हमने जेल वेल यूज़ नहीं किया इसलिए कि मैंने कहा उसने आज वॉश किया हुआ है तो फिर पहले भी मैंने स्प्रे कर दिया है तो उसको मसला होगा वैसे ये है कि जैसे ये इसके बाल छोटे छोटे उड़ रहे हैं ना वो जेल लूँगी फिंगर पे सिर्फ हल्की सी लूँगी इसके बालों पे यूँ यूँ करूँगी उससे फिनिशिंग आ जाएगी मिस आप लगा ले फिर वॉश कर लें तो उसको वॉश तो मिस वैसे भी करना लगा दूँ वो जेल पकड़ो वॉश तो वैसे भी करेगी घर जाके नहीं करेगी मिस बंद कर दूँ बाल इसके फिर पकड़े जाएंगे सारे जैसे छोटे छोटे हैं ना यहाँ से जी फ्रंट से तो वो उड़ रहे हैं अब बन जाएगा प्रॉपर इसके हैंड पे नीट है बाल वगैरह ख़राब तो नहीं होते ना जेल वगैरह ना ये रोज़ थोड़ी यूज़ करते हैं कभी कभार ही तो करना होता है जो लोग रोज़ यूज़ करते हैं तो फिर अच्छा उससे खराब तो पड़ता है हाँ मुझे खुद बहुत पसंद है इसका मैं बनाती रहती हूँ ना मुझे अच्छा लगा लेकिन मैं यहीं से थोड़ा सा बना सकती हूँ नहीं बना सकती हूँ नहीं नहीं बना लेती हूँ यहाँ से थोड़ा सा बन जाते हैं बस जैसे मिसने इनका बनाना अपना मैं भी बना लेती हूँ यहाँ से पीछे से बन जाती है वो पसंद है खुद तो कुछ बोला ही नहीं मैं तो कब से चुप करवा रही हूँ यही इतनी बात जी जी बिल्कुल जो आपने ये बैग कॉमन किए इसमें भी तो हम जेल लगा सकते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है इस पर नहीं ये अच्छा ये मतलब इस तरह से हाँ जेल लगा सकते हैं बिल्कुल मैं बल्कि लास्ट में करती हूँ इसका स्प्रे करती हूँ स्प्रे करके इसको फिनिशिंग देते हैं मैंने तो ज़्यादा स्प्रे इसलिए नहीं किया कि मतलब वॉश भी उसने किया हुआ है जस्ट अभी आपको बताने के लिए मैंने इतना वो किया ही नहीं है ना स्प्रे तो लाजमी है जी जी स्प्रे के बगैर नहीं होता जिस हम बनाते हैं ना तो उस पर अक्सर मुझे महसूस होता है कि स्प्रे लाजमी है चीज़ों से नाइला सब सीधा कर नाइला सही हो जाओ हिलना मना है बस एक से हो जाएगा हाँ तकरीबन हो गया आगे हो जाओ ये मुझे जल्दी
आपको कैसा करें अगर किसी के घर के पास से मोतियों की लड़ी मिलती है